नमस्कार, आप देख रहे हैं केवाईएन पोस्ट। बुधवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में राजभवन के पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक पेट्रोल पंप पर जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये घटना आज दोपहर की बताई जा रही है, जिसमें 8 लोगों के झुलसने की खबर है और कुछ नजदीकी रहवासियों के घरों को नुकसान भी पहुंचा है। जानकारी के अनुसार 2 घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें कटक के SCB मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं शेष घायलों का इलाज कैपिटल अस्पताल में चल रहा है। दमकल की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं और अब तक आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। केवाईएन पोस्ट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।